तो आज फिर इसका ट्यूटोरियल सीखेंगे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इसका ट्यूटोरियल रिक्वेस्टेड था इनका पोर्ट्रेट का, तो आज इसी पे बात करेंगे। जो पेपर मैंने यूज़ किया है, जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। जो देखिए मटेरियल जो यूज़ किया है वो ये है सॉफ्ट पेस्टल्स मोंगियो ब्रांड के, गैटली ब्रांड के, और जो पेपर है वो है स्ट्रैथमोर आर्ट अगेन पेपर, जो कि मैंने पहले भी दिखाया हुआ है अपने वीडियोस में कई बार। तो देखिए इसमें क्या है, इस बेसिकली इस ट्यूटोरियल में जो जो अप्रोच था इसके ड्राइंग का वो क्या था, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आउटलाइन से ड्रॉ नहीं किया गया है इसको, जैसा कि आप देख पाए होंगे टाइमलेस में भी। और यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमने लाइट एंड शेड्स के साथ एक टाइप का क्या बोले प्लेफुल तरीके से उसको प्ले किया है, ठीक है। अभी देखिए जो मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मैं क्या बेसिकली कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मैं बस ये ऑप्ट कर रहा हूँ कि डार्कर वैल्यूज कहाँ कहाँ हैं, और उसके लिए मैंने देखिए सबसे जो डार्केस्ट स्टोन है पिस्टल्स में, हमेशा ये फंडामेंटल अपना के चलिए कि डार्क से लाइट की तरफ आपको जाना है, न कि लाइट से डार्क। तो सबसे पहले डार्क यूज़ करते हैं, डार्क ब्राउन यूज़ किया जैसे मैंने, उसके बाद मैं अब इस लाइट ब्राउन को या टेराकोटा कलर को यूज़ कर रहा हूँ। कलर्स के नाम हर ब्रांड अलग अलग तरीके से लेता है, इसलिए मैं आपको जेनरिक नाम बता रहा हूँ। जैसे ये लाइट ब्राउन कह सकते हैं या टेराकोटा कलर कह सकते हैं, अब हो सकता हो किसी और ब्रांड में ये अलग तरीके से हो। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फेस के ऊपर अब मैं डार्क टोन के बाद फिर लाइट टोन को यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए कोई भी आउटलाइन नहीं है, ठीक है, आउटलाइन तो छोड़ दीजिए, ये ब्लॉकिंग मेथड है एक्चुअली। तो ब्लॉकिंग मेथड में क्या करते हैं, अपन ब्लॉक्स बनाते हुए चलते हैं। तो मैंने जो सॉकेट्स बनाए हैं, देख रहे हैं दोनों आई के सॉकेट्स बनाए हैं, और उसके बाद जो राइट साइड में काफ़ी ज़्यादा एरिया है जहाँ पे डार्क टोन है, जो रियल इमेज है उसको आप देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। और फिर अब मैं यहाँ ग्रीन टोन को भी यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें कई सारे टोन्स यूज़ होती हैं, ग्रीन भी यूज़ होगी, वॉयलेट भी यूज़ होगी, और इस टाइप के जैसे इम्प्रेशनलिज्म एक आर्ट का स्टाइल होता है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, रादर देन रियलिज्म नहीं होता उतना इन्वॉल्व, ठीक है। अगर रियलिज्म पे करना होता काम यही, तो फिर हम जेनरिक तरीके से चलते, मतलब नॉट जेनरिक, नॉर्मल तरीके से चलते, जिसमें कि हम पेंसिल्स को यूज़ करके और आउटलाइंस क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं। यहाँ पे कोई पेस्टल पेंसिल्स वगैरह को यूज़ नहीं किया जाएगा, यहाँ केवल पेस्टल ब्लॉक्स के ही थ्रू आर्ट ड्रॉ की जाएगी। और काफ़ी लोग जो रिक्वेस्ट करते रहते थे कि केवल पेस्टल से ड्रॉ करके दिखाइए, केवल पेस्टल ब्लॉक्स से ड्रॉ करके दिखाइए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है। तो अब देखिए मैंने सबसे लाइटेस्ट टोन जो है वाइट के बाद, वो अब मैंने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया है। तो आप समझिए इसकी क्रोनोलॉजी को, समझिए डार्क टोन, लाइटर टोन एंड देन फिर लाइटेस्ट टोन, ठीक है। तो वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और साथ के साथ कुछ रेफरेंसेस को भी मैं ले रहा हूँ, जो रियल इमेज है जो मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे खुली हुई है, वहाँ से मैं कुछ रेफरेंसेस को ट्रांसफ़र भी कर रहा हूँ। लेकिन मोस्टली ये पूरा का पूरा पोर्ट्रेट जो है लाइट एंड शेड्स के अप्रोच पे बेस्ड है, और इम्प्रेशनलिज्म में ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ फिंगर्स को, और अब यहाँ पे क्या है, देखिए अंतर क्या है, जो मैं नॉर्मल तरीके से जब पेस्टल्स करता था तो उसमें अलग था, यहाँ अलग है। यहाँ क्या है, पूरे के पूरे पेस्टल्स को आप मर्ज नहीं करने वाले, केवल कुछ एजेस पे जहाँ पे दो कलर्स मर्ज हो रहे हैं वहाँ पे मैंने फिंगर्स यूज़ करके उसको मर्ज किया, कम्प्लीटली मर्ज नहीं किया। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर ये बिल्कुल रियलिज्म पे मुझे करना होता काम तो फिर मैं उसको कम्प्लीटली मर्ज करता, एक बेस क्रिएट करता अंडर पेंटिंग टाइप का। यहाँ अंडर पेंटिंग टाइप का आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको नेचुरल कोर जो है पिस्टल्स के डस्टी एलिमेंट वो आपको हाईलाइट करने हैं, वो आपको शो करने हैं। तो मोस्टली ये जैसे ऑयल पेंटिंग जो लोग करते हैं, एक्रिलिक जो करते हैं, उसके जो पैचेस नज़र आते हैं, या आपने पोस्ट एंड इम्प्रेशनलिज्म में देखा होगा विंसेंट वैन गॉग जिस तरह से पोर्ट्रेट्स करते थे, ब्रशेस के स्ट्रोक्स नज़र आते थे, ठीक है, वो ही स्टाइल यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे पिस्टल के स्ट्रोक्स शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एम ये है कि पिस्टल के स्ट्रोक्स को मैं डेड ना कर दूँ, अगर मैं उसको स्मज कर दूंगा तो वो डेड हो जाएंगे पूरी तरह से, मर्ज हो जाएंगे पेपर पे। उसको लाइव रखने के लिए, उसको शो करने के लिए पेपर पे मैं उसको कम्प्लीटली मर्ज नहीं करूँगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वो है मैं सबसे डार्केस्ट टोन को यूज़ कर रहा हूँ हेयर के, जो जिसको हिंदी में जूड़ा बोलते हैं, साधु महाराज ने जूड़ा धारण किया हुआ है सर के ऊपर, वहाँ पे मैं देखिए डायरेक्टली सबसे डार्केस्ट टोन ब्लैक टोन को यूज़ कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा डार्कर टोन नहीं होता, ठीक है। और फिर प्रपोर्शंस को भी देखते हुए चलना है आपको, ये नहीं सोचना है आपको कि मैं इम्प्रेशनिज्म पे कर रहा हूँ तो प्रपोर्शंस को तो ऐसे तैसे मिले जाने दिया जाए, ठीक है।
वो नहीं करना है, वो भी पकड़ के चलना है। जो भी आपके मेजरमेंट्स हैं उसको भी देखते हुए चलिए, बट हर मेजरमेंट नहीं लेने की ज़रूरत है। मतलब बेसिक मेजरमेंट लीजिए, जैसे कि विड्थ एंड हाइट पोर्ट्रेट का लीजिए, और बाकी जो छोटे मोटे मेजरमेंट्स हैं जैसे आईज टू आईज का डिस्टेंस अपना है, नोज का डिस्टेंस कितना है, दो तीन डिस्टेंसेज आप जरूर वेरीफाई कीजिए ताकि आपका प्रोपोर्शनेट फेस बने, अनप्रोपोर्शनेट ना बने। आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिसप्रोपोर्शन को इवॉल्व करें, उसमें प्रोपोर्शन लाना तो ज़रूरी है ही। प्रोपोर्शन के साथ उसमें आप अपने पेंसिल के स्ट्रेंथ दिखाइए, या पिस्टल से काम कर रहे हैं तो पिस्टल की स्ट्रेंथ को शो कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप जो टोन्स हैं, जिस तरह से मैं ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में ब्लैक टोन्स यूज़ किए हैं मैंने, और दोनों साइड में फेस की ब्लैक टोन्स को यूज़ किया है ताकि जो फेस है वो पूरा का पूरा अपने आप निकल के बाहर आए। रेफरेंस इमेज भी इतनी कमाल की है कि आप काम करने को आपको अलाउ करती है। ब्लैक बैकग्राउंड भी काफ़ी मदद कर रहा है कि आप उसमें हेल्प करता है कि आपके जो मेन फिगर है, जो मेन पोर्ट्रेट है, वो बाहर निकल गया है। अब देखिए जैसे लोग पूछ रहे थे हेयर में कैसे किया है आपने काम, तो देखिए मैंने फिंगर्स यूज़ किया, पहले मैंने स्ट्रोक्स लगाए, फिर मैंने फिंगर्स को यूज़ किया, थोड़ा सा स्मज किया, सारा पूरा का पूरा स्मज नहीं किया, केवल एजेस को मैं स्मूथ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक डार्क बेस टोन क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर मैं लाइटर टोन्स को यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं एक तरह से प्रिपेयर किया मैंने बेस को, फिर उसके बाद मैं लाइटर टोन्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। और एक पूरा का पूरा फोर्स नज़र आना चाहिए पेस्टल्स में, खासकर जब इस टाइप का आर्ट वर्क हम करते हैं, तो फोर्स दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पेस्टल के स्ट्रोक्स में फोर्स नहीं, जैसे पेंसिल के स्ट्रोक्स में फोर्स होता है, वैसे ही इस टाइप के आर्ट वर्क्स में स्मूथ रेंडरिंग नहीं होनी चाहिए, रफ रेंडरिंग होनी चाहिए, और उसमें हेल्प करते हैं आपके पेस्टल के स्ट्रोक्स। ठीक है, डिमेंशनल स्ट्रोक्स। और अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे डेंजरस चीज़ है, यहाँ पे आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा रिस्क पे है। अब वो डायरेक्ट ब्लैक ब्लॉक को यूज़ कर रहा है सॉफ्ट पेस्टल के, और डायरेक्टली देखिए कैसे अंदर की जो डिटेल्स हैं आईज के अंदर की। अब जैसे ब्लॉक्स तो काफ़ी थिक होते हैं, इतने थिन नहीं होते, पेंसिल से भी ज़्यादा थिक हैं ये, समझ लीजिए, वो आप देख ही पा रहे होंगे। तो उसके थ्रू अब आईज की डिटेल डेवलप करना इट्स समथिंग की जो बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं इस टाइप के आर्ट वर्क जनरली नहीं डालता, क्योंकि बिगनर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये अप्रोच। बट अगर आप कर ले जाएंगे ना, जिस दिन आप कर ले जाएंगे उस दिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए अब तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से। तो ये करना भी, सीखना भी ज़रूरी है, ना कि ये सोचना कि बस ये तो हमारे लिए नहीं है तो हम नहीं करें इसको। ट्राई टू लर्न दिस, पेस्टल्स आपको बहुत सारी चीज़ें देता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। एक ऐसा मीडिया है जो कि सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और विश्वास मानिए इंडिया में अभी बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो पेस्टल्स पे काम करते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लाइटर टोन्स को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हेयर में स्पेशली जो जटा जूट है इनका, उसको हाईलाइट करने के लिए, और बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ रियल इमेज को कि बस उसके स्ट्रोक्स को देख के ड्रॉ करूँ, मैं अपने ओन स्ट्रोक्स को डेवलप कर रहा हूँ। ये सबसे अच्छी बात होती है, और ये सबसे ज़्यादा क्या बोलूँ उसको, आपको एक तरह का लिब्रेशन देती है। तो वो चीज़ समझिए कि आपको यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो नहीं करना है, बस आपको ये देखना है लाइट्स कहाँ हैं, डार्क टोन्स कहाँ हैं, और अकॉर्डिंगली लाइट एंड शेड्स के अकॉर्डिंगली आपको ड्रॉ करते हुए चलना है। जैसा कि अब देखिए मैं बता रहा था कि आईज के अंदर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आईज बहुत स्मॉल है, और दूसरा मैं पेस्टल पेंसिल्स को यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू सच थिंग। साथ में दो पेंसिल्स हम और यूज़ करेंगे जो कि चारकोल पेंसिल्स हैं, ब्लैक चारकोल एंड देन वाइट चारकोल को भी कुछ जगहों पे कर लेंगे यूज़। बट दैट इज़ ऑल्सो समथिंग कि जो कि आपको इतना हेल्प नहीं करेगा जितना कि आपको बेसिकली पेस्टल ब्लॉक्स पे काम करना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पेस्टल ब्लॉक्स के ऊपर अपनी अपनी कमांड को डेवलप करना, और वाइट को आप सबसे लास्ट में रखा करिए। जो वाइट है, वाइट ब्लॉक हो चाहे जो भी हो, उसको कोशिश किया करिए कि सबसे एंड में उसके स्ट्रोक्स को डेवलप किया जाए, क्योंकि वो बहुत आसानी के साथ दूसरे पे चढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे मैं पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, चारकोल पेंसिल है ये, कोई भी चारकोल पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं, और ना करें तो और भी अच्छा है, लेकिन
लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपको आप भी बंध जाते हो कि आपको करना पड़ जाता है, तो दैट इज़ ओके, मतलब एक सर्टेन लिमिट तक तो ठीक ही है, बट ये नहीं होना चाहिए पूरी तरह से आप इन्हीं पेंसिल्स पे ही बेस्ड होकर ड्रॉ कर रहे हैं इस टाइप के आर्ट वर्क में खासकर। अदर देन दैट अगर आप इस पेंसिल्स को यूज़ करके करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसको यूज़ करें बेहतर ढंग से। अब देखिए किस तरह से, देखिए ये अपने आप निकल के आ रहा है पेपर के ऊपर, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो डार्क है, वो सपोर्ट कर रहा है कि पोर्ट्रेट थ्रो हो रहा है आपके आपकी तरफ निकल के आ रहा है। यही ब्यूटी है इस पेस्टल्स की। और अगर आप इस टाइप के आर्ट वर्क्स करते हैं या करना पसंद करते हैं तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्टों में आप अपनी गिनती करा सकते हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली इस पे काम करें तो। मैं भी कॉन्स्टेंटली नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बीच में फिर पेंसिल्स का भी रहता है और आप लोग ज़्यादा पेंसिल्स की रिक्वेस्ट करते हैं पोर्ट्रेट ड्राइंग की, इसलिए नहीं कर पाता हूँ। बट मेरे को अगर मेरे से कोई कहता है या पूछता है कि आपका फेवरेट मीडिया कौन सा है तो पेस्टल्स है डेफिनेटली। अब चलते हैं बियर्ड के ऊपर। देखिए बियर्ड में क्या करना है, मैंने पहले बैकग्राउंड को डेवलप किया, एक टोन दे दिया वहाँ पे, ब्लू टोन दे दिया, और अब देखिए मैं ऑरेंज टोन एंड टेराकोटा टोन को यूज़ किया है बियर्ड के लिए। और जो हैंड है वहाँ पे भी देखिए जो मार्क है वो मैंने वहाँ पे दिया। दैट इज़ नॉट समथिंग की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एलैबोरेट, वो आप कर ले जाएंगे, समझ ले जाएंगे अच्छे से। तो इम्पॉर्टेंट अब इसमें एक ही चीज़ है जो कि है बियर्ड, जिसको आपको अच्छे से समझना है। बाकी तो आई थिंक ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, अब बचा केवल आई थिंक बियर्ड ही है। तो पेपर एक्चुअली क्या है, अच्छा पेपर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पेपर ये है स्ट्रैथमोर आर्ट अगेन पेपर, जो कि टोन पेपर है। आप कोई भी टोन पेपर यूज़ कर सकते हो पेस्टल्स में, वाइट पेपर मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि एक सर्टेन टोन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है पेस्टल्स में, वाइट पेस्टल्स का। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, बियर्ड में मैंने कुछ डार्क टोन्स ऑप्ट करी और उसके बाद अब मैं फिंगर्स की बिल्कुल हल्की टिप को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब पूरा प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ फिंगर का, हल्की टिप को यूज़ करके थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज किया, मतलब स्मच किया थोड़ा सा, बहुत हल्का सा बिना प्रेशर के, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे। और इसके बाद अब मैं फिर से फर्दर नेक्स्ट लेयर में डार्क टोन्स को लगा रहा हूँ, और साइमल्टेनियसली मैं जो डार्केस्ट टोन है, जैसे कि जो मैं पेस्टल पेंसिल या फिर चारकोल पेंसिल से करता था, वही चारकोल पेंसिल में यूज़ करके उसको कर रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली काम जो हमारा है वो ब्लॉक्स के ही थ्रू होगा, पेंसिल्स की हेल्प केवल वहाँ लीजिए जहाँ पे बहुत माइन्यूट एरिया हो, जहाँ पे आप, या तो आप एक काम और कर सकते हैं, पेस्टल्स को आप नाइफ के थ्रू आप शार्प कर सकते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट वैसे भी काम करते हैं, फाइन रिफाइंड उसको आगे से कर लेते हैं, पेंसिल के जैसा शार्प कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, और वो भी बहुत अच्छा तरीका है, वो भी करा जा सकता है। अभी मेरे पास नहीं था टाइम, नहीं तो मैं उसको भी करूँगा नेक्स्ट, मैं बताऊँगा आपको वैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स मैं पेस्टल्स के भी करने वाला हूँ, काफ़ी दिन हो गया था फ्रेंड्स। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि वाइट को यूज़ किया जा रहा है, और अब जो बेस टोन्स थी ना, जो टेराकोटा की और ऑरेंज की, वो अपने आप देखिए कैसे रिवील हो रही है, निकल के बाहर आ रही है, और स्ट्रोक्स भी रैंडम है, बिल्कुल बिल्कुल रैंडम कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल फॉलो किया जा रही है इमेज को, बस केवल रैंडमाइज तरीके से स्ट्रोक्स को डेवलप कर रहा हूँ पिस्टल ब्लॉक्स के। तो ये डेफिनेटली बहुत कठिन है अगर बाकी सारे आर्ट के स्टाइल से बात किया जाए, कंपेयर किया जाए, क्योंकि एक तो रियलिज्म में तो फिर भी काम कर लिया जाता है, बट ये इम्प्रेशनिज्म वगैरह है जो है, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म है, या फिर और जो आर्ट के स्टाइल्स हैं सरलिज्म है, तो उसमें अभी इतना इवॉल्व नहीं हो पाए हैं कई सारे आर्टिस्ट, खासकर इंडियन आर्टिस्ट, या जो अभी जितने लोग भी सिखा रहे हैं सीख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक तो समझाना भी डिफ़िकल्ट है और दूसरा जो समझने वाले हैं वो भी, उनको भी वो समझ में इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए अभी इस टाइप के आर्ट वर्क्स में ज़्यादा नहीं डालता था चैनल पे, बट अभी कुछ लोगों ने बोला कि और अदर आर्ट स्टाइल फॉर्म को भी डेवलप कैसे किया सकता है, बताया। हालांकि मैंने इसको काफ़ी हद तक रियलिज्म में ले गया हूँ, बट आप इसको रॉ भी रख सकते थे, जहाँ पर मैं पहले था ना वहाँ पर बस मैं बियर्ड बनाता और रफ करके छोड़ देता, दैट कैन बी डन, और वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बट ठीक है, रियलिज्म ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर हम रियलिज्म पे भी काम कर दिया है।
तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा, और इसमें जो भी क्वेरी हो जरूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में। आई थिंक मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। आगे आने वाले ट्यूटोरियल भी इसी टाइप के ही होंगे, जो कि पिस्टल्स पे बेस्ड होंगे कुछ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।